नमस्कार, मैं बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पीएम पद पर दावेदारी चाहे तो करे, मोदी का विकल्प नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी चाहे जो भी करे, लेकिन देश के किसी भी मतदाता से पूछे कि मोदी जी का विकल्प कौन है, तो वह कहेगा कि मोदी जी का विकल्प स्वयं मोदी जी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री के काम से जनता के बीच प्रभाव भाजपा के पक्ष में है। मौर्य ने कहा, जनता का समर्थन नहीं मिलने और हार की आहट मिलने से बौखलाहट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बावजूद प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहने से विकास के कार्य बाधित रहे, लेकिन 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से विकास के काम में तेजी आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताए जाने पर मौर्य ने कहा, वह प्रियंका आई थी अपने भाई राहुल गांधी को जिताने, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि राहुल अमेठी से चुनाव हार रहे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जिनको मायावती प्रधानमंत्री पद का दिलासा देकर उनके वोटों को अर्जित करने की अखिलेश जी कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो अपने पिता और चाचा के नहीं हुए, 23 तारीख को यह संदेह आ जाएगा कि वह नकली बुआ जी के भी नहीं हुए। नमो टीवी पर चुनाव प्रचार के उल्लंघन को लेकर भाजपा को ईवीसी का नोटिस। नमो टीवी पर चुनाव नियमों के उल्लंघन को लेकर भाजपा को ईसी का नोटिस। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद भी नमो टीवी पर चुनाव संबंधी सामग्री का प्रसारण किया जाने को लेकर बीजेपी को एक नोटिस भेजा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर 12 मई को मतदान होना है, जिसमें शहर के 143 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम 6 बजे थम गया था। दिल्ली के ईसीओ रणवीर सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद शहर में और सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक प्रचार खत्म हो जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि बीजेपी को शुक्रवार को नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद नमो टीवी पर चुनाव संबंध लेकर बीजेपी को नोटिस भेजा गया है। पार्टी से शनिवार शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया। प्रियंका गांधी ने ट्यूमर से पीड़ित बच्चों को निजी जेट से दिल्ली भेजा। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक ट्यूमर पीड़ित बच्ची को बचाने की बेहतरीन पहल करते हुए उसे प्रयागराज से एक निजी जेट विमान के माध्यम से इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में इलाज के लिए भिजवाया, जहां उस मासूम का इलाज चल रहा है। प्रियंका गांधी की ही पहल पर ही उस बच्ची को प्रयागराज के कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।